आज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी सोमवार 11 सितंबर 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति की प्राकृतिक वैज्ञानिकता के साथ अद्भुत जीवन शैली के दर्शन हमें नित्य नवीन रूपों में होते हैं, जिस पर हमें निसंकोच गर्व करना चाहिए। उसमें भी श्री जी की सेवा प्रणाली का तो सर्वश्रेष्ठ है। वत्स द्वादशी को ही देखिए, श्री जी में इसकी भाव भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के होने पर गौचारण की जिद करने लगे। तब आज के दिन ही यशोदा जी ने गाय और बछड़े का पूजन कर शगुन के रूप में उनको वन में बछड़े चराने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस कारण से आज का दिवस वत्स द्वादशी कहलाता है, यद्यपि श्री कृष्ण ने गौचारण गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया था। हमारे प्रभु का तो पहला नाम ही गोपाल है। कितना अद्भुत दर्शन है, बालपन से ही अपने परिवेश के अनुसार व्यावहारिक जीवन के मूल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का संस्कार रोपण। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारा मुख्य व्यवसाय पुरातन काल में ही पशुपालन रहा है, और अब हमारे संस्कार भी देख लीजिए कि इसी भावना से राजस्थान एवं रस सहित उत्तर भारत के अधिकतर भागों में आज माताएँ बछड़े सहित गाय का पूजन करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखती हैं। यहाँ तक कि आज गाय के दूध का केवल गाय के बच्चों को ही सेवन करवाया जाता है, और तो और आज चाकू से काटी सब्जियाँ भी नहीं खाई जाती हैं। यहाँ तक कि गेहूं के आटे का उपयोग भी नहीं किया जाता है, अतः मक्की अथवा बाजरे की रोटी खाई जाती है। मूंग चावल, अनारदाना की कड़ी, चना चावल मुख्य रूप से खाए जाते हैं। प्रातः सभी महिलाएं अपने पुत्रों के साथ सुंदर लाल पीले वस्त्र धारण कर अपने अपने मोहल्ले में, जहां किसी गाय ने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, उस घर या गौशाला जाकर गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह प्रेरणा प्रभु श्री जी में विशिष्ट पिछवाई के माध्यम से सभी को दी जाती है। पुत्र को भी बाल भाव से तिलक किया जाता है। क्या कहीं और ऐसा हमें देखने को मिलता है? कहीं कहीं तो गाय के गोबर की भी चांदी के सिक्के से पूजा की जाती है। गाय और बछड़े को अंकुरित मूंग चने, बाजरे के लड्डू और नारियल भोग के रूप में खिलाए जाते हैं और अपने परिवारजनों को नारियल का प्रसाद दिया जाता है। अपने बच्चों को यह अवश्य बताएं कि हम किस संस्कृति के संवाहक हैं। केवल मानव रूप में ही मात्र एवं पुत्र के ममतामय दिवस का यह अवसर नहीं है, बल्कि गौ माता एवं बछड़ों के रूप में प्रत्येक जीव के प्रति भी यह भावना समर्पित है। आज के इस युग में क्या किसी और संस्कृति में आप इस तरह की भावना की कल्पना कर सकते हैं? यह हमारी दुर्लभ धरोहर है, इसे आगे अवश्य बढ़ाएं। आप सभी को वत्स द्वादशी की बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का के अनुसार आज वत्स द्वादशी की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार
प्रभु श्री जी की बाल लीला की भावना से धराए जाते हैं, हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। छोटो सो कन्हई सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नुपुर पेंजनिया और मिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है, वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज नंद भवन के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें नंद भवन की तिवारी में बछड़े सहित गाय का तिलक कर पूजन करती यशोदा मैया, रोहिणी मैया तथा दूसरी ओर गायों के साथ ग्वाल बालों के सुंदर चित्रांकन किए हुए हैं। खंड पाठ पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट है तो स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटाजी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करें। आज प्रभु को लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन एवं गोल कांचनी धराई गई है, जिसे मोर कांचनी भी कहते हैं। विशेषता यह है कि यह सूथन एवं दोहरी कांचनी दोनों ही रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं और प्रभु की पीठिकाजी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को नीचे पदक, ऊपर माला तथा कली कस्तूरी आदि की माला भी धराई गई हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को हीरा की तिलक वाली टोपी धराई गई है, जिस पर फोंदना भी लगे हुए हैं और टोपी पर प्रभु को तीन तुर्री धराई गई हैं, जिनके साथ बाबरी भी धराई हुई है। बाई ओर शिशुफूल तो धराए ही गए हैं। आज के इस विशिष्ट साज के साथ प्रभु को
मीणा से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी भी धराई गई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत पीले लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण श्री मस्तक श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है। कमल छड़ी के साथ स्वर्ण के लहरिया वाली वेणु जी धराई हुई हैं। प्रभु की कटी पर भी दो वेत्र जी धराए गए हैं जिनमें से एक स्वर्ण के लहरिया वाले एवं एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट लाल रंग का हाशिया वाला और गोटियां मोर वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी कांच के कलात्मक काम वाली है जो बाबा श्री द्वारा पधराई हुई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में माधो जू तनक सो बदन और शोभित कर नवनीत लिए राजभोग में मेरे गोपाल लड़ाए वो और ढाड़ो लिए खिलावत कनिया उत्थापन में छोटो सो कन्हैया एक मुरली छोटी सी आरती में मेरे छगन मगन खेलो आंगन और हो वारी तेरे मुख पर शयन में मांगेरी मोपे चंद खिलोना मोहन माखन चोरी करत फिरत कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन हो रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर बाल भोग रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तामूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। छोटो सो कन्हैया कन्हैया मुख मोर दे
मदन की खायो है मखाना शोभा देखो ये मदन।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।